बट मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है? रफ नोट्स बनाए हैं कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है फर्रुखाबाद में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ, और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैंने ये कहा था कि भाई अब बिल्कुल भी नहीं होगा कोई भी गैप, बट यार एक प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ब्लॉग्स को थोड़ा ड्रॉप करना पड़ा। तो प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ, हमारे क्या कह सकते हैं नेबरहुड में एक अंकल थे, तो वो रहते थे, तो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, और अचानक से अभी कुछ दिन पहले उनकी हमको शायद जिस दिन मैंने ब्लॉग डाला था उसी दिन की शाम को उनकी डेथ हो गई थी। तो उसमें हम लोग थोड़ा सा बिजी थे, उधर जाना पड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग हमारे आना थोड़ा सा बंद हो गए थे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है? तो वहाँ जाना पड़ा, फिर सब कुछ अजीब सा हो गया, ठीक है? तो नहीं हिम्मत हो रही थी मेरी कि ब्लॉग वगैरह बनाऊँ, ठीक है? तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे ब्लॉग्स को रोकना पड़ा, बट अब अपन दोबारा से रीस्टार्ट कर चुके हैं और फिर से ब्लॉग हमारे आने लगेंगे, और क्या कह सकते हैं। और हाँ, मैंने एक मस्त चीज़ रेडी की थी, ठीक है? तो मैं दिखा देता हूँ उनको। तो मैंने जैसा कहा था आपको कि मैं डायरी में सब कुछ मेंटेन करके रखूँगा, तो मैंने सब कुछ मेंटेन कर लिया है, ठीक है? दिखाता हूँ मैं, एक रफ नोट्स मैंने बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं अभी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है? रफ नोट्स बनाए हैं कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है फर्रुखाबाद में, ठीक है? देखो बहुत सारी प्लेसेस थी, तो सारी चीज़ें देखो 10 प्लेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने लिख रखी हैं। और इनमें से पहले मैं प्लेसेस बता देता हूँ कौन कौन सी, फिर बताऊँगा कि कैसे ट्रैवल कर पाएंगे या ट्रैवल करना पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट है हमारी रानीघाट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रानीघाट हमारा पड़ता है कैंट में, ठीक है, कैंट एरिया में, जो हमारा उधर छावनी वाला एरिया है उधर पड़ता है। तो समस्या वहाँ पर ये है, अगर हम वहाँ पर, एक तो कैंट का एरिया है, ठीक है, आर्मी वाला एरिया है, तो वहाँ पर परमिशन नहीं होती शूट वगैरह की, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग रानीघाट पर विजिट ना कर पाए, ठीक है? तो रानीघाट तो हटा दो इसमें से। एक नेक्स्ट हमारा है भैरवघाट। अब भैरवघाट पे जाना कोई भी ऐसा मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है शूट के अकॉर्डिंग, हम लोग आराम से जा सकते हैं, मस्त बढ़िया सा भैरवघाट बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा, तो हम वहाँ जा सकते हैं। और एक ये है विश्रांत, ठीक है, विश्रांत कह सकते हैं, मतलब वहाँ पर जाकर जैसे एक पोर्ट टाइप का, स्मॉल पोर्ट टाइप का बना रखा था, ठीक है, नदी के किनारे बना हुआ है, बढ़िया सा बना हुआ है, और लेकिन एक प्रॉब्लम है उसमें, अब तो वो एज ए क्या कहते हैं मतलब रुकने के लिए तो नहीं यूज़ होता है, ठीक है, एज ए रेस्ट रूम तो यूज़ नहीं होता है कि वहाँ पर लोग आते हो आराम से रहते हो कुछ टाइम गुजारते हो, वैसा नहीं यूज़ होता है। वहाँ के जो लोकल पर्सन हैं उन्होंने थोड़ा सा कह सकते हैं उसकी हालत ख़राब कर रखी है, तो देखेंगे जाकर कैसा हमारा बना हुआ है विश्रांत, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी देर रुक सकते हैं, ऐसा कुछ है मतलब जैसे जो ट्रैवलर्स होते थे वो जाकर थोड़ी देर वहाँ पर रुक सकते हैं, ठीक है, ट्रैवल करते टाइम, तो ऐसा कुछ है, तो देखते हैं वहाँ पर भी विजिट करेंगे। बाकी और भी आपको, अभी तो थर्ड नंबर पे ही पहुँचे हैं, अभी पूरी लिस्ट बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बंगस्टॉम, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये भाई साहब मेरी लिस्ट पे टॉप पे है, तो बंगस्टॉम तो ऐसा कह सकते हैं 1-2 दिन में जाना होगा, ठीक है, तो वहाँ तो अपन ज़रूर ही विजिट करेंगे, वो बहुत मस्त जगह है, वहाँ पर विजिट तो करनी ही करनी है, ठीक है। और वहाँ की प्लेस मतलब ऐसा सुनने में आया है कि भाई प्लेस बहुत बढ़िया है, और क्या कह सकते हैं शूट के लिए प्रॉपर है, जैसे अगर आपको सिनेमैटिक वीडियो वगैरह शूट करनी है वहाँ कर सकते हैं, तो अपन भी कुछ ट्राई करेंगे वहाँ पर जाकर। बाकी एक FBD का ओल्ड जू नहीं कह सकते, हाँ कुछ मतलब बना रखा था, फिर मैंने उसके बाद इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी की है, तो उससे पता चला है कि ये वो ओल्ड जू टाइप का नहीं था, कुछ क्या कह सकते हैं कुछ बर्ड्स वगैरह को पिंजरे में करके वहाँ पर रखते थे, बट वो प्लेस थोड़ी सी अब उसकी हालत खस्ता हो चुकी है, क्योंकि जो बर्ड्स थी वो कह सकते हैं वो अब डेड हो गई हैं, ठीक है, और वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, खंडर है पूरा, तो हम जाने की कोशिश करेंगे, वो भी आसपास में ही है, ठीक है, सेंट्रल जेल के इलाके में पड़ जाता है, तो अपन जाने की कोशिश कर सकते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते, कोई भी उधर रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, जा सकते हैं, बट ये है जो जू है वो उस हालत में नहीं मिलेगा जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जाएंगे वहाँ भी, ठीक है। बाकी
नेक्स्ट हमारा आ जाता है 11 मंजिला कंपेल। ये थोड़ा सा हमारे FBD से दूर रहता है, ठीक है, मतलब दूर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूर, लगभग 40-46 किलोमीटर दूर है ये कायमगंज के साइड, ठीक है। तो यहाँ जाना थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, ट्रिकी है, मतलब हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे लिए। तो बाकी फ्रेंड्स वगैरह से हम थोड़ा सा कांटेक्ट करेंगे कि कैसे जाना सही रहेगा और किस तरीके से जा सकते हैं वहाँ पर, तो देखते हैं, ठीक है। वो मस्त जगह है, वहाँ भी घूम सकते हैं अपन, जा सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंबोडिया टेम्पल संकेसा। ये हमारा टेम्पल है संकेसा में, और संकेसा भाई साहब बहुत ही मस्त जगह है, हम आपको किसी दिन मतलब लेकर चलेंगे, मोहम्मदाबाद के ये साइड है, तो बहुत बढ़िया बना रखा है, बौद्ध मठ है, हमने पहले भी बता रखा है संकेसा वाला आपको, तो वो प्लेस घूमने के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं सिर्फ लिस्ट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि लिस्ट कर सकते हैं ये जगह हमें जानी है घूमने, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पर 3 मंदिर और हैं, एक ये सूर्य मंदिर जो कि हमारे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास है, एक है साईं मंदिर, ये हमारे क्या कह सकते हैं पांचाल घाट रोड पर है, ठीक है, और एक है ये पांडेश्वरनाथ मंदिर, तो वो फरखाबाद में। तो ये सारी ही प्लेसेस हैं जो भी 10 प्लेसेस मैंने अभी तक लिस्ट की हैं जो घूमने लायक हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा गजब है, ठीक है। बाकी आज के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या कह सकते हैं जो भी बेसिक वर्क होते हैं वो कर चुके हैं, एडिटिंग का कुछ खास था नहीं मेरे पास आज करने के लिए, ठीक है। बाकी क्या कह सकते हैं, स्कूल छोड़कर आया, बच्चों को ब्रेकफास्ट कर लिया है, और एक और चीज़ मुझे जो आपको बतानी थी, तो वो मैं ये बताने वाला था कि अपन अब जैसे मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूएशन थोड़ा सा रुक गया था ब्लॉग्स में भी और पढ़ाई में भी, ठीक है। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई वाला बात, क्योंकि अभी वेडिंग वगैरह बीच में आ गई थी और भी बहुत पहले से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब अपन ने ये डिसाइड किया है कि फालतू के एंटरटेनमेंट वगैरह जो भी करते हैं वो सब ड्रामे करेंगे बंद, और अच्छे से फोकस करेंगे एक तो ब्लॉग्स पर और दूसरा पढ़ाई पर, ठीक है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह कर चुका हूँ, अब अपन थोड़ा सा रूम थोड़ा सा गंदा भी है तो इसको थोड़ा सा सफाई कर लेंगे इसकी, और फिर स्टार्ट करेंगे हमारी पढ़ाई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ाई वगैरह फिनिश करके अपन चले गए थे सबसे पहले तो बच्चों को लेने, क्योंकि 12 बजे उनका एग्ज़ाम फिनिश हो जाता है, फिर उन्हें घर पर लाना पड़ता है, तो गए थे वहीं उन्हें लेकर आ गए हैं। अभी फ़िलहाल हम छत पर आ गए हैं और अब थोड़ी देर के यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ी धूप वगैरह लेंगे, और फ़िलहाल लंच नहीं कर रहे हैं अपन। लंच अपन लोगों ने सोचा है थोड़ा स्किप करने का, क्योंकि थोड़ा सा वेट वगैरह बढ़ रहा है, तो थोड़ी सी डाइटिंग भी करेंगे, ठीक है। तो लंच स्किप करेंगे, सीधी सी बात है, सिर्फ ब्रेकफास्ट और डिनर रहेगा अपना जो भी है, तो लंच तो फिनिश नहीं करने वाले हैं आज, स्किप ही करने वाले। वैसे 2-3 दिनों से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे आज नहीं है, बस ब्लॉगिंग आज से स्टार्ट किया दोबारा से, इसलिए ऑन कैमरा बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर बैठकर थोड़ा देर रेस्ट करेंगे। सो अब अपना टाइम हो गया है ट्यूशन जाने का, और भाई बिल्कुल भी कुछ भी रेडी नहीं है, तो मुझे सब कुछ आयरन वगैरह करना पड़ेगा, और भाई जल्दी से अब कर लेते हैं, पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो समस्या हो जाएगी। तो भाई जल्दी से मिलते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद क्या, लगभग 2-3 घंटे बाद, अभी तो अपन जाने वाले हैं ट्यूशन, फिर ट्यूशन से आके आपको नेक्स्ट अपडेट जो भी होती है वो देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड, और अपन आ चुके हैं घर पे, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये वाली वीडियो अभी यहीं पर अपन एंड करते हैं।